हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक इतना पावरफुल मंत्र शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे। और मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मंत्र बस एक वर्ड का है, तो आपको यहाँ पे किसी भी बात का खर्चा नहीं होना आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी करने के लिए। ना आपको किसी लंबे छोड़े अफर्मेशन को याद रखने की जरूरत है, ना कुछ खुद का क्रिएटिव करने की जरूरत है कि मतलब खुद की कोई स्टोरी क्रिएट करो एंड देन हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज मैं जो आप सब लोगों के लिए मंत्रा लाई हूं ना, इट इज अ वन वर्ड मंत्रा, और वो मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरी करेगा ना कि मतलब आप हैरान परेशान हो जाओगे। जी हाँ, तो आज का जो ये वन वर्ड मंत्रा है वो आप मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, करियर में सक्सेस पाने के लिए, जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम्स के लिए, हर जगह पे इस वर्ड का आप यूज कर सकते हो। इस मंत्रा का उपयोग आप मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर मैं आपको पहले बता दूं कि वो वर्ड क्या है, वो मंत्रा क्या है। ठीक है, तो ये वर्ड है थांबा। ठीक है, इट इज अ महाराष्ट्रियन मराठी वर्ड प्रोनाउंसिएशन, थांबा, THAMBA, थांबा। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूं, थांबा, THAMBA, थांबा। ठीक है, अगर आप मतलब नॉन महाराष्ट्रियन हो तो देर आर अ चांसेस कि आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ जाए, या फिर मतलब आप अब्रॉड से हो तो आपको और ज़्यादा दिक्कत आ जाए। बट आप थोड़ी मतलब अगर आप इसको रिपीटेटिवली बार बार बोलोगे ना तो काम हो जाएगा, कोई मतलब ऐसी बड़ी बात है नहीं, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस ऑब्वियसली, तो आप ये कर सकते हो। तो ये वर्ड का चैंटिंग कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक कोई भी इस वर्ड का चैंटिंग कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अभी इस वर्ड का चैंटिंग कब करना है? इस वर्ड का चैंटिंग आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, शाम, रात को, दोपहर को, सोने से पहले, कभी भी। ठीक है, उठने के बाद कभी भी, इट इज डिपेंड ऑन यू। आपके मैनिफेस्टेशन आपको कब करनी होती है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, बिकॉज यू नो कि आपके पूरे दिन के टाइम में आपका स्केड्यूल आपको कैसे बिठाना है, कौन से टाइम पे आप रिलैक्स रहते हो, कौन से टाइम पे आप हेक्टिक मोड में रहते हो, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो कौन से टाइम पे करना है मैंने आपको बता दिया है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और अभी कितनी बार करना है, सो एज सच देयर इज नो एनी लिमिटेशन, आप मतलब 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, या फिर मतलब आप टाइम वाइज नहीं जाना चाहते, इफ यू वांट कि काउंट रहे मैंने कितनी बार किया, तो 108 टाइम्स भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि 108 नंबर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका अगर आप इस काउंट का हेल्प लेके अगर आप कोई भी मंत्र या जाप करते हो तो ये मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, इसलिए 108 टाइम्स भी इसे चैंट कर सकते हो दिन में एक या दो बार, या फिर सुबह, शाम, रात को, या फिर दिन में दो बार, जैसे सुबह हो गया, शाम को हो गया, इट इज डिपेंड ऑन यू। आप इस मंत्र को लिख के भी मतलब इसका यूज कर सकते हो, जैसे मतलब स्क्रिप्टिंग टेक्निक में 33:3, 55:5, या नॉर्मल जर्नलिंग में, जर्नलिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको अफर्मेशंस में भी डाल सकते हो, अगर कोई अफर्मेशंस के साथ इस वर्ड को यूज करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में मस्ती ढूंढते हैं, उनको कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि 4 दिन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर ली, बाद में बोर हो गया, इसलिए लोग मिक्स एंड मैच करके भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो जो अफर्मेशंस के साथ थांबा वर्ड को यूज करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनी मैनिफेस्टेशन करना है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव एबंडेंट मनी इन माई बैंक अकाउंट, थांबा। ठीक है, आपका अफर्मेशन आपको पहले बोलना है, उसके बाद आपको थांबा वर्ड का यूज करना है। आई हैव एबंडेंस ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट, थांबा। उसके बाद सपोज मुझे कोई स्पेशल पर्सन मैनिफेस्ट करना है, I have manifested so and so person in my life, थांबा। I have manifested so and so person in my life, आप आपके पर्सन का नाम लगा सकते हो। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो I have manifested 70% marks in my SSC exam, थांबा।
I have manifested 70% marks in my SSC exam, Thamba. ठीक है, अगर आप मतलब अफर्मेशंस में आपको लग रहा है कि आपका वर्ड कहीं गुम हो रहा है थांबा, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा अफर्मेशंस आपका लिखने के बाद थांबा वर्ड जो है ना वो ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, THAMBA थांबा बड़े लेटर में, ताकि आपको मतलब उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखे कि मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जैसे 33:3 कर तो रहा हूँ मेरे अफर्मेशन के साथ, बट उसके साथ मैंने थांबा वर्ड ऐड किया है, तो अगर वो बोल्ड लेटर में होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो जाएगा. Oh, I am using these words. It is giving me lots and lots of benefit. बहुत ज़्यादा benefit दे रहा है. ये मतलब बहुत काम करता है. आप कहीं पे भी जाओ, Google पे search करो या फिर YouTube पे search करो, इसकी बहुत सारी success story मिलेगी. अगर आप ये video देखने के बाद इस थांबा वर्ड का यूज कर रहे हो, इस थांबा वर्ड की चैंटिंग कर रहे हो और आपको कोई भी रिजल्ट मिला है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा. मुझे जानने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी. अगर कोई मुझे कोई भी सक्सेस स्टोरी बताता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे डालती हूँ, ताकि सबको पता चले कि मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमारी टेक्निक्स का फ़ायदा हो रहा है. तो अगर कोई है ऐसा कि जो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं या फिर मतलब उनको पहले से ही टेक्निक्स पता है बट दे वॉन्ट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं मतलब आई लव टू डिस्प्ले योर मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी इनटू कम्युनिटी पोस्ट. ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा ये वर्ड, इसका कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करिएगा. मैं अभी आपके लिए मंत्रास के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ. मतलब कुछ वीडियो ऐसे बनाऊंगी, जैसे आज मैंने थांबा वन वर्ड मंत्रा रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, अभी मैं इसका मतलब स्पेसिफिक चैंटिंग वाला वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए. कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना कि मुंह में लड़खड़ा जाते हैं, जैसे एक वर्ड है थांबा थांबा थांबा, तो मतलब बोलने में बार 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 अगर कोई वर्ड आता है तो वो लड़खड़ा जाते हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर चैंटिंग सुनना पसंद करते हैं कि मन ही मन में वो उसके साथ ट्यून हो पाए, उस अफर्मेशन के साथ या वो चैंटिंग के साथ ट्यून हो पाए. इसलिए मैं मतलब मंत्राज की ये सीरीज, जिसमें मैं मंत्राज क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगी और उसके साथ मंत्राज की चैंटिंग भी पोस्ट करूंगी, ताकि आपको मतलब अच्छे से बेनिफिट मिल सके. मैं बस चाहती हूँ कि आपको जो मैं मेथड्स बता रही हूँ उससे आपको अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिले. आप मतलब भले ही आई विल बी नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, बट एटलीस्ट वीडियोस, वो चैंटिंग आपको हेल्प कर पाए. ठीक है, तो आई होप मतलब मैं जल्द ही आगे का जो चैंटिंग वाला वीडियो है थांबा रिगार्डिंग जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूंगी. बट दिस थांबा वर्ड इज एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, तो प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड है. अगर और किसी को थांबा वर्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई एम हैप्पी टू नो लाइक इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी और आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ पता होगा. ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में. और इस चैनल पे अगर ये वीडियो देख के कोई आया है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड टैरोट कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ और डेली पोस्ट करती हूँ. तो अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो जिसके इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट करना, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आपको पता चले और मुझे भी पता चले और सबको पता चले, स्पेशली यूट्यूब को पता चले कि there is a one creator who is creating videos like this for all lovely subscribers and viewers, और इस वीडियो को जल्द से जल्द बूस्ट मिल जाए. सो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ लवली डे एंड नाइट, कीप मैनिफेस्टिंग एंड स्टेबलिस्ट. बाय गाइज.